मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता दल बदल कर रहे हैं। इसी बीच प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के भाई एवं बीजेपी से पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। भाजपा नेता गिरिजा शंकर के कांग्रेस में जाने से नर्मदांचल में बीजेपी का गणित बिगड़ जाएगा। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा दो बार विधायक, दो बार भाजपा के जिलाध्यक्ष और नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। लंबे समय तक इन्होंने जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को बांध कर रखा था। इनकी नर्मदापुरम में अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस को अब यहां और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा ने पिछले दिनों ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। शर्मा ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब भाजपा बदल गई है और वे भाजपा को सबक सिखाने में कांग्रेस का साथ देंगे। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग पोटेंशियल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।